मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा, मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सोल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सोल्यूशन निकल सकती है। प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए, मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूँ, काफ़ी समय बाद आया हूँ, तीसरी बार है, एक साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूँ। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा, मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सोल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सोल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकते हैं, कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं, मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए, मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने।